डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप पिछले दिन क्लास ट्वेल्थ के जो हम लोग फिजिक्स सेक्शन में पढ़ रहे थे, वो एक नए चैप्टर की शुरुआत किए थे फिजिक्स में, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में हम लोग ने सीखा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत कौन कौन से हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ तक ये भी सीखा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का खोज किसने किया और सबसे पहले तो मैक्सवेल ने किया था, और जो मैक्सवेल ने खोज किया उनको चेकआउट करने के लिए, उनके प्रयोगों को पुष्टि करने के लिए हेनरिक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक जो जर्मनी के थे, उन्होंने भी मैक्सवेल के सिद्धांत को पुष्टि की। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे बात बढ़ा तो भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 5 mm से 25 mm तार से तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करके चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कर रहे थे या किए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े मार्कोनी साहब के बारे में, जो रेडियो के खोजकर्ता कहलाए। तो इनके बारे में हम लोग ये पढ़े कि मार्कोनी का ही देन है कि कई किलोमीटर दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा जा सकता है, भेजा भी। यही कारण है कि टीवी पर, दूरदर्शन पर, रेडियो पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों को पहुंचाया जा सकता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। तो इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोगों ने फिर पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पाद क्या है, उत्पाद का मतलब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये भी हर्ट्ज ने ही प्रयोग किया था, आपको पता होना चाहिए। 40 cm² का दो पत्थर लिया उन्होंने, ठीक है, 40 cm² का पत्थर, और फिर उन दोनों के बीच में एक सी और डी घुंडी लगाया, और उन घुंडियों के बीच फिर इंडक्शन क्वाइल से जोड़ा। तो ये सभी बात को हम लोगों ने पढ़े थे। अब आइए हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिज्ञान के बारे में। अभिज्ञान, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिज्ञान लिखा जाए। नेक्स्ट एरो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति को दिखाने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति को दिखाने के लिए हर्ट्ज ने तांबे के तार का 35 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप बनाया। कितना सेंटीमीटर का, ध्यान रहे 35 सेंटीमीटर का। इसके अभिज्ञान के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग, अभिज्ञान का मतलब उससे हम लोगों को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग चेकआउट करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या नहीं। इस चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति को दिखाने के लिए हर्ट्ज ने क्या किया, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये तार लिया, ठीक है, तांबे का तार, ठीक है, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप बनाया, यहाँ तक लिखें, फिर लिखिएगा कॉमा करके, जिनके सिरों पर इनके सिरों पर धातु की पॉलिश की हुई इनके सिरों पर धातु की पॉलिश की हुई घुंडियां लगी थी जिनके बीच कुछ रिक्त स्थान था, जिनके बीच कुछ रिक्त स्थान था
जब इस लूप को घुंडियों के समीप रखा गया, तब हर्ट्ज ने पाया कि विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति घुंडियों के आवृत्ति के लगभग बराबर हो जा रही है जिससे हर्ट्ज ने यह सुनिश्चित किया कि इस स्थान पर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो रही है ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं कि अभिज्ञान का मतलब क्या हुआ। अभिज्ञान का मतलब ये होता है हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होना, उससे क्या पता चलता है। यानी इस अभिज्ञान में हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैसे पता चलेगा कि किसी स्थान पर विद्युत चुंबकीय तरंगे उपस्थित है। इसके लिए हर्ट्ज ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने किया क्या, जैसे कि आपको पता होना चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के लिए 40 सेंटीमीटर² का दो पत्थर लिया था उन्होंने, ठीक है, और एक घुंडी यहाँ और यहाँ से जोड़ दिया था, ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ और यहाँ एक क्वाइल और एक क्वाइल, ये इंडक्शन क्वाइल था हम लोगों का, ये क्या था इंडक्शन क्वाइल, ये था इंडक्शन क्वाइल। और यहाँ हम लोग दो पॉइंट्स से देख पा रहे थे, तो ये C है और ये D है। अब ये C और D है, हम लोगों को दो पत्थर है A और B, ठीक है, दो पत्थर कौन कौन सा है, A पत्थर है और B पत्थर है। पत्थर A और पत्थर B दो हम लोगों का पत्थर है, जिसका हम लोगों को पता होना चाहिए 40 सेंटीमीटर² का एरिया है, 40 सेंटीमीटर² का एरिया, ठीक है। अब ये दोनों 40 सेंटीमीटर² का एरिया है, और यहाँ से C और D दो हम लोगों को क्या है, घुंडी है, इसको क्या बोलते हैं, घुंडी। और ये तो हम लोग उत्पत्ति में सीखे थे दोस्त। हर्ट्ज ने क्या किया, एक वृत्ताकार लूप बनाया, एक तार का, तांबे के तार का, जिसका त्रिज्या कितना था 35 सेंटीमीटर, ठीक है, R बराबर 35 सेंटीमीटर। अब ये R बराबर 35 सेंटीमीटर है। अब R बराबर जब 35 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 35 सेंटीमीटर जब R है हम लोगों का, ठीक है, जब ये R 35 सेंटीमीटर है, तो कुल मिलाकर एक देखा जाए तो इस लूप को उन्होंने फिर कहाँ रखा हर्ट्ज ने, तो इस C और D घुंडी के बीच में रखा। तो पाया गया कि जो तार का स्वाभाविक आवृत्ति था, जितना हर्ट्ज उत्पन्न कर रहा था आवृत्ति, वहाँ ये चुंबकीय तरंग की आवृत्ति के समान पाया गया। यानी कि जैसे ही इस लूप को कहाँ रखा गया, तो घुंडी के पास, जो देख पा रहे हो यहाँ पे C और D घुंडी है, इस घुंडी के पास इस लूप को रखा गया, तो पाया गया कि इस लूप का भी जो आवृत्ति है, स्वाभाविक आवृत्ति जिसको बोल सकते हैं, वो और हम लोगों का यहाँ पे घुंडियों यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का आवृत्ति दोनों का समान पाया गया। तभी से वो निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ पे क्या है उपस्थित, विद्युत चुंबकीय तरंगे उपस्थित है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उपस्थित है। चलिए
तो इस तरीके से हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पाद और क्या देख लिए, तो अभिज्ञान। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे फिजिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक मैक्सवेल के विस्थापन धारा। मैक्सवेल 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 के विस्थापन धारा मैक्सवेल के विस्थापन धारा ठीक है, मैक्सवेल के विस्थापन धारा, मैक्सवेल के विस्थापन धारा ये टॉपिक लिए हैं। उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे किसी तार से प्रवाहित, किसी तार से प्रवाहित किसी तार से प्रवाहित अस्थायी विद्युत धारा, अस्थायी विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित अस्थायी विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके लिए एम्पियर के परिपथीय नियम मान्य होता है। जिसके लिए एम्पियर के परिपथीय नियम मान्य होता है उसके नीचे लिखेगा एम्पियर के परिपथीय नियम से कॉमा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई ठीक है। देखिए ये हम लोगों का एम्पियर के परिपथीय नियम से फार्मूला मिला हुआ था, हम लोग पहले पढ़े हुए थे। बोला गया कि कभी भी किसी तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, करंट दिया जाता है, तो उस विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हालांकि यह हम लोग को के लिए पुरानी बात है क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस बात को कि कोई भी वायर में जब करंट तभी आता है जब आवेश यानी कि क्यू चार्ज जो है गतिशील होता है, तब हमें आई मिलता है। और जब उस धारा में विद्युत धारा हमें प्राप्त होने लगा, मतलब आई का मान प्राप्त होने लगा, तब हम ये बोल सकते हैं कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं चारों ओर ठीक है। लेकिन किसी भी वायर में हम लोगों को अनुभव इसका नहीं होता है। हालांकि फैराडे ने यह प्रयोग किया था कि चुंबकीय सुई की सहायता से यह उन्होंने गणना किया था, पाया था कि किसी भी वायर में जब हम लोग करंट देते हैं तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन में अगर कोई तार में अगर करंट पास किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है, इस केस में चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है ठीक है। चलिए तो अब आपको पता होना चाहिए कि इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है इसके लिए हम लोग किसका वैल्यू किसका उपयोग कर सकते हैं, तो एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर मैक्सवेल के विस्थापन धारा में हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी वायर में अगर करंट देते हैं तो उस करंट के वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि उस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है उसके लिए हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम यूज कर सकते हैं ठीक है। चलिए फिर लिखा जाए नेक्स्ट
नेक्स्ट एरो, लिखेंगे उपयुक्त समीकरण। उपयुक्त समीकरण का मतलब यही एम्पियर के परिपथीय नियम वाला समीकरण जो है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर म्यू नोट आई, ये हम लोगों का फार्मूला आया था, तो यही है उपयुक्त समीकरण। लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर, उपयुक्त समीकरण द्वारा व्यक्त द्वारा व्यक्त परिपथीय नियम का मान्य परिपथीय नियम का मान्य नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है जब तक कि विद्युत क्षेत्र समय के साथ जब तक कि विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तन न हो। इस स्थिति में तार को अत्यधिक धारा की आवश्यकता होती है, अत्यधिक धारा की आवश्यकता होती है जिसे मैक्सवेल का विस्थापन धारा कहा जाता है, जिसे मैक्सवेल का विस्थापन धारा कहा जाता है। देखिए, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम का मान्य तब होता है जब किसी वायर में करंट पास करता है और उस करंट के वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तब हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर क्या लिखें कि उपयुक्त समीकरण का मान्य तब नहीं होता है, यानी ये परिपथीय नियम हम लोगों को फेल कर जाता है, कब? जब तक कि विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तन नहीं हो, यानी कि इसका मान तब तक नहीं रहता है जब तक कि किसी वायर में आई करंट तो दे रहे हैं लेकिन इसके वजह से चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं। ई जो है हम लोगों का समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ उपयुक्त समीकरण का प्रयोग नहीं करेंगे, यह मान्य नहीं होता। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो उपयुक्त समीकरण तब मान्य नहीं होता है जब तक कि किसी वायर में विद्युत क्षेत्र का समय के साथ परिवर्तन नहीं हो। जब ऐसा स्थिति आ जाती है तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में क्या होता है हम लोगों को, तो अतिरिक्त धारा की आवश्यकता है। अब उस तार को अतिरिक्त धारा यानी कि ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है, इसी अतिरिक्त धारा को हम लोग कहते हैं मैक्सवेल का विस्थापन धारा। ठीक है, मैक्सवेल का क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा बोलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ पे तो हम लोग ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि मैक्सवेल का विस्थापन धारा किसको कहते हैं, तो जब एम्पियर के परिपथीय नियम पालन नहीं होता है तो उस स्थिति में तार में अत्यधिक धारा की आवश्यकता होती है, इसी अत्यधिक धारा को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, तो मैक्सवेल का विस्थापन धारा। ठीक है, फिर लिखा जाए नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए टॉपिक देंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल के मैक्सवेल के समीकरण
का समाकलन रूप, समाकलन रूप। देख पा रहे होंगे यहाँ पे टॉपिक्स क्या दिए हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल के समीकरण का समाकलन रूप। तो मैक्सवेल के समीकरण का समाकलन हम लोग रूप देखेंगे। फिलहाल उसके नीचे कुछ एरो देकर लिखा जाए, लिखेंगे विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव की, विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव की मिली जुली घटनाओं की व्याख्या, मिली जुली घटनाओं की व्याख्या निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त किया जाता है। व्याख्या निम्नलिखित समीकरणों की से किया जाता है, कॉमा इन्हें इन्हें मैक्सवेल के इन्हें मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरण भी कहा जाता है, इन्हें मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरण भी कहा जाता है। चलिए अब बोला गया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, देखिए विद्युत चुंबकीय लिखा हुआ है ना, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के प्रभावों को मिलाकर मिलीजुली घटनाओं को चार समीकरण को दिखाया जाता है। इन्हीं चार समीकरण को कहते हैं मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरण। तो अब देख पाते हैं यहाँ पे समीकरण वन, समीकरण वन, समीकरण फर्स्ट क्या है जरा देखते हैं। समीकरण फर्स्ट, समीकरण वन क्या है तो लिखेंगे बंद तल, पहला में समीकरण, बंद तल से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स, नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। देखिए देख पा रहे होंगे ना समीकरण नंबर वन क्या है, तो बंद तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो है वो शून्य होता है। याद रखिएगा बंद तल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, शून्य होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बंद तल से गुजरने वाला फ्लक्स यानी कि बी और डी है, ये हम लोगों को चुंबकीय फ्लक्स है, इसका वैल्यू कितना होता है जीरो। तो पहला ये समीकरण आपको याद रखिएगा, समीकरण नंबर वन क्या है मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण में, तो मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरण में जो पहला जो समीकरण है बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, यानी कि बंद तल से गुजरने वाला ये चुंबकीय फ्लक्स है, ये इसका वैल्यू कितना होता है जीरो होता है। ध्यान दीजिएगा बंद तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ये बी डॉट डी ए क्या है चुंबकीय फ्लक्स है, इसका वैल्यू शून्य होता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे चुंबकत्व, चुंबकत्व में गॉस का नियम कहा जाता है, गॉस का नियम कहा जाता है। देख पा रहे होंगे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकत्व में गॉस का नियम कहते हैं। बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा जीरो के, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं चुंबकत्व में गॉस का नियम। ठीक है अब चलिए उसके नीचे लिख लेते हैं समीकरण दो, कुछ समीकरण है जिसको मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण कहते हैं, तो ये समीकरण दो लिखा जाए। समीकरण दो क्या है, इसमें सेम वही है, बंद तल है लेकिन E डॉट डी ए है, यानी कि जैसे यहाँ विद्युत फ्लक्स हुआ ना सर, ये चुंबकीय फ्लक्स हुआ, ये विद्युत फ्लक्स हुआ, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र हो गया और डी ए उसका क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे होता है Q बटा अप्सिलॉन नॉट, Q बटा अप्सिलॉन नॉट, इसे ही हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं। पढ़े होंगे आप कि गॉस का प्रमेय क्या है, तो बंद तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये ई क्या है
विद्युत क्षेत्र है, लेकिन ई डॉट डी ए अगर आ गया तो इसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स बोल देते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ अब इसको इसके नीचे लिखेंगे इसे इसे स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम कहा जाता है, गॉस का नियम या प्रमेय नियम कहते हैं। ठीक है, इसे स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम कहा जाता है। तो दो समीकरण देख लिए, अब लिखा जाए समीकरण नंबर थर्ड, तीसरे समीकरण की ओर। ठीक है, तो समीकरण नंबर तीसरा कुछ इस तरीके से है, ई डॉट डी एल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पढ़े होंगे कि ई का मतलब क्या, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, और डी एल के साथ अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को मिलता है क्या, माइनस डी फाई बटा डी टी, यानी कि विद्युत फ्लक्स। हालांकि ई डी एल क्या है, तो ये फैराडे का नियम है किसके लिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा E डॉट डी एल, ये सब हम लोग देखिए, कहने का मतलब है ना कि ये सब फार्मूला हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे छाट रहे हैं कि कुछ ऐसे भी समीकरण है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सवेल का भी क्षेत्र समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों से इनका नाता जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरण भी कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं। तो मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरण कुल इस तरीके से तीन समीकरण से स्पष्ट है, आप तीनों समीकरण को याद रखिएगा, जिसको मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरण भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल के समाकलन रूप, समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन करके रूप, इंटीग्रेशन किया हुआ रूप। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग यहीं हम लोग टॉपिक्स को ख़त्म करते हैं, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल विद्युत चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले दिन। तो फिर क्लास के लिए आज यहीं तक एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।